तो पवनदीप के लिए एकदम से पूरा उत्तराखंड खड़ा हो चुका है, और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे इंडिया के साथ साथ पवनदीप का बेड़ो पाको है। वो करीब 16 लाख व्यूज है वो क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, पवनदीप का नया गाना बेड़ो पाको है वो सुपर डुपर हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये गाना जैसे ही रिलीज हुआ इसको उतनी अच्छी रीच नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पवनदीप के इस गाने को इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलने लग गया। हालांकि अभी कुछ लोग हैं वो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, और फैंस भी उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस चीज को फेक बता रहे हैं कि फेक तरीके से व्यूज आ रहे हैं और थंबनेल भी ऐसे लगा रहे हैं जिससे उनके फैंस हैं, पवनदीप के फैंस हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सिर्फ व्यूज पाने के लिए आप फेक थंबनेल मत लगाइए, फेक व्यूज मत बताइए कि पवनदीप के गाने पर एकदम से इतने व्यूज कैसे आ गए। तो पवनदीप है, आपको पता है, जिनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो वो कमाल सब कुछ कर सकते हैं, एक दिन में ही कर सकते हैं, और बड़े बड़े कारनामे करके उन्होंने दिखाए हैं। तो उन पर शक मत कीजिए कि भाई उन्हें व्यूज नहीं आ सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा ही करके उन्होंने दिखाया है। जी हाँ, दो दिन पहले पवनदीप का जो गाना बेड़ो पाको है वो यूट्यूब की हेडलाइन में भी नजर आ रहा था। जी हाँ, और वहां पर म्यूजिक सेक्शन में पवनदीप का ये गाना बेड़ो पाको नजर आ रहा था। और अब इस गाने को एकदम से रीच मिली है, उत्तराखंड के सभी लोगों तक पहुंचा है। काफी लोगों को पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी गाने के बारे में जब ये रिलीज हुआ, लेकिन जैसे जैसे पता लग रही है तो लगातार इसके व्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बता डालिए। तो पवनदीप को इसके लिए आप कांग्रेचुलेशन जरूर बोलिएगा, बाकी पवनदीप को बहुत बहुत बधाई क्योंकि उनका ये फोक सॉन्ग है उत्तराखंड का। और ऐसे में पवनदीप इस गाने को जब लाए थे और सलीम मर्चेंट के साथ, उन्हें लग रहा था कि ये गाना है बहुत धमाल करेगा, और वाकई में वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मिलते हैं कुछ ही देर में पवनदीप अरुणिता की बड़ी और नई अपडेट के साथ।